स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारत में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के विभिन्न रूप देखे जाते हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने जहानाबाद जिले के हुलासगंज इकाई में एक विशेष आयोजन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व नगर मंत्री बिट्टू कुमार ने किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पूर्व 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में न केवल हुलासगंज के नागरिकों ने देशभक्ति का जज्बा जगाया, बल्कि ये पूरे जिले के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीयता और एकता की भावना को प्रबल करना था। तिरंगा जो भारत के स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसे लेकर चलने का अर्थ न केवल अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाना है, बल्कि ये भी दर्शाना है कि हम सभी भारतीय एक हैं और हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। आज हुलासगंज इकाई में जहानाबाद के जिला हुलासगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के तले भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। ये यात्रा तो जो महाविद्यालय है, अपना संस्कृत कॉलेज है, वहाँ से लेकर पूरे बाजार होते हुए हाई स्कूल में जाते हुए और करीब 1 किलोमीटर की यात्रा, भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें शिक्षक, छात्र, छात्राएं और समाज के सरोकार रखने वाले लोग भी भाग लिया। यह बहुत की पहली बार हुलासगंज में इस प्रकार की यात्रा निकाली गई थी। लोगों में, छात्रों में काफी हर्षोल्लास था, लोग उत्सुक थे और भाग लेने के लिए काफी संख्या में लोग शामिल हुए। आपका परिचय सर? प्राध्यापक उमेश कुमार, प्रांतीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार।